जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए बीजेपी ने नई लिस्ट जारी की। 15 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। नई लिस्ट में बीजेपी ने पहले चरण के लिए 15 प्रत्याशी घोषित किए। पंपोर से सैयद शौकत गयूर को टिकट, राजपुरा से अर्शीद भट्ट उम्मीदवार, शोपिया से जावेद अहमद कादरी को टिकट, अनंतनाग से सैयद वजाहत, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक मानी उम्मीदवार, श्रीगुफवाड़ा बिजवेहरा से सोफी यूसुफ को मिला टिकट, इंद्रवल से तारिक कीन, किश्तवाड़ से शगुन परिहार होंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें पहले चरण के 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। बीजेपी की लिस्ट पर बोले जेएनके बीजेपी चीफ रविंद्र रैना, बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, जल्द ही दूसरी सूची भी जारी होगी। लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र ने 5 नए जिले बनाने का किया ऐलान। जांसगढ़ राज शाम होंगे लद्दाख में नए जिले, नुब्रा और चांगथांग भी बनाए गए जिले। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने पर बोले पीएम मोदी, लद्दाख में 5 नए जिले का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में कदम। लद्दाख में नए जिलों को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख के विकास के लिए सरकार ने फैसला किया, हमारी सरकार लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की, विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा जातीय जनगणना होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी के जातीय जनगणना वाले बयान पर बोले जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी, गठबंधन की मुंबई बैठक में कांग्रेस ने जातीय जनगणना पर सहमति नहीं बनाई थी, इसलिए नीतीश गठबंधन से अलग हुए। जातीय जनगणना को लेकर बोले असम सीएम हेमंता, बीजेपी के लिए नए विरोध का मुद्दा नहीं, जहां ओबीसी और एससी एसटी को न्याय मिलता है हम वहीं खड़े हैं। आगरा में बोले सीएम योगी, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं, देश तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट होंगे। सीएम योगी ने कहा बांग्लादेश में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, वो गलतियां यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपा सोरेन फिर दिल्ली पहुंचे, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। चंपा सोरेन को लेकर बोले सीएम हेमंता, मैं चाहता हूं कि वे बीजेपी में शामिल हों और हमें ताकत दें। संभाजीनगर में बीजेपी और उद्धव गुट के नेता आमने सामने, आदित्य ठाकरे के संभाजीनगर दौरे को लेकर विरोध, रामा होटल के सामने दोनों दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। हरियाणा में बीजेपी ने शुरू किया चुनाव अभियान, रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव कार्यकाल का किया उद्घाटन। रोहतक में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, जनता बीजेपी की सरकार के लिए उत्साहित। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा, श्रीनिवास समेत कई नेता मौजूद। महाराष्ट्र के नांदेड़ से सांसद वसंत चौहान का निधन, पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मायावती ने राजनीति से संन्यास लेने की खबरों का किया खंडन, ट्वीट कर कहा राजनीति से संन्यास लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस में 46 मिनट रहा पीएम मोदी का विमान, पाक मीडिया का दावा, पोलैंड से लौटते वक्त पीएम मोदी के विमान ने पाक एयर स्पेस से इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से फोन पर की बात, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। कोलकाता रेप केस को लेकर एक्शन में सीबीआई, आरजीकर अस्पताल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ से पूछताछ, कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में हो रहे हैं सवाल जवाब। मुख्य आरोपी संजय रॉय का रविवार को हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अब तक 7 लोगों का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों का बयान, जांच में बहुत सबूत मिले। आरजीकर हॉस्पिटल भ्रष्टाचार मामले, सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े 15 ठिकानों पर मारी रेड, रविवार को घर में 12 घंटे तक चली तलाशी। महाराष्ट्र के बदलापुर केस के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कल्याण कोर्ट में आरोपी को हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को रिपोर्ट सौंपी, बदलापुर केस मामले की रिपोर्ट दी। अयोध्या में भक्ति पथ और राम पथ पर फर्जी तरीके से लाइट चोरी का केस दर्ज कराने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी शेखर शर्मा को हरियाणा में से अरेस्ट किया।